नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज की मेडिसिन को याद करना। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अर्जेंटम नाइट्रिकम। थोड़ी सी बड़ी है मेडिसिन, ठीक है। ये जो आपको एक पेज दिखाई दे रहा है, ऐसे दो पेज लगे हैं इसको कवर करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। क्या हुआ, एक गांव की बात है। एक गांव में एक हस्बैंड वाइफ रहते थे। उनके यहाँ बच्चा पैदा हुआ, एक्चुअली बच्ची पैदा हुई, पहली बच्ची थी उनकी, ठीक है। तो जो जिनके यहाँ बच्ची पैदा हुई थी, उसका एक दोस्त था जिसका नाम था मुलर, ठीक है। सरकारी अस्पताल में बच्ची पैदा हुई थी, तो उसका दोस्त था मुलर। तो क्या हुआ, जो बच्ची पैदा हुई वो काफ़ी पतली दुबली, एकदम सूखी हुई, ड्राइड अप, थ्रिदर्ड, है ना, कैचेटिक, ऐसी बच्ची पैदा हुई। तो उसका जो पापा है वो बोलता है अपने दोस्त मुलर से कि अर्जेंटली जाओ मुलर, और अपनी जो दुकान है चांदी की, ठीक है, वहाँ से चांदी लेके आओ। हम अपनी बच्ची को चांदी खिलाएंगे, ठीक है, और उसको मोटा करेंगे। तो यहाँ से हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। अर्जेंटली अर्जेंटम नाइट्रिकम, जाओ मुलर, जेओ मुलर, रूबर, ठीक है, कॉमन नेम सिल्वर नाइट्रेट, और केमिस्ट्री को सिंपली करोगे AgNO3, ठीक है, फैमिली वाले। और उसके बाद में इसका फिजिकल मेकअप कैसा रहेगा, कैचेटिक रहेगा, विदर्ड रहेगा, ड्राइड अप रहेगा, ओल्ड लुकिंग यंग पर्सन, ठीक। ये बात सुनकर वो जो सरकारी अस्पताल का जो डॉक्टर था उसको आ गई गुस्सा, ये क्या बात होती है, चांदी खिलाओगे अपनी छोटी सी बच्ची को चांदी खिलाओगे, पागल हो गया तुम, ठीक है। तो थर्मल हॉट गुस्सा हो गया, वो गर्म हो गया, एकदम से गर्म हो गया, उसके ऊपर इरिटेट होने लगा, ठीक है, और गुस्सा करने लगा उसके ऊपर। तो टेम्परामेंट वेरी इरिटेबल एंड बिकम एंग्री इजिली, ठीक। उसको तो पागल हो क्या तुम, साइको हो, है ना, ऐसी बातें कर रहे हो, अपनी बच्ची को चांदी खिलाओगे। तो डायथिसिस न्यूरोसाइकोटिक, अब वो मान ही नहीं रहा था, ठीक है, उसका जो पापा था लड़की का, बच्ची का, वो मान ही नहीं रहा था। तो उसने, डॉक्टर ने क्या किया, बाहर से अपने 3 बॉडीगार्ड बुलाए, ठीक है, और उसको उठा के बाहर करवा दिया, माइल्स, ऑल 3 माइल्स, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब अगर आगे बात करेंगे हम, तो क्या हुआ, वो बच्ची जो थी अब छोटी थी, ठीक, जब पैदा हुई तो क्या दिक्कत थी कि वहाँ पर उसको ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम, ठीक, मतलब कंजक्टिवा जो होती है आँखी, उसका इन्फ्लामेशन था, ठीक है, जब पैदा हुई तभी उसी वक्त से कंजक्टिवा का इन्फ्लामेशन था उसको, तो ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम था। और थोड़ी सी बड़ी हुई तब क्या है कि बेड पर यूरिन कर देती है, छोटे बच्चे होते हैं ना, आदत होती है उन्हें यूरिन पास करने की, तो यूरिन उसकी दिन रात ऐसे ही निकलती रहती है, इनवॉलेंट्री यूरिन निकलती रहती है उसकी दिन रात, ठीक। तो ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम, यूरिन पासिस अनकॉन्सियसली डे एंड नाइट, ठीक। अब वो बच्ची थोड़ी सी बड़ी हुई, 18 साल की हुई, थोड़ी सी समझ आई, और उसने सोचा मैं सिंगर बनूंगी, मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, शहर में जाऊंगी, शहर में जाके सिंगर बनूंगी, ठीक है। सिंगर बनने के लिए वो शहर गई, दिल्ली जैसे शहर में चली गई, वहाँ पे भी दिल्ली के पॉश एरिया में चली गई। उसने वहाँ देखी बिल्डिंग ही बिल्डिंग, ओ माई गॉड, ठीक है, इतनी ऊँची ऊँची बिल्डिंगें भी होती हैं हमारे गाँव में, तो एक मंजिला से ऊपर कुछ होता ही नहीं, ठीक। उसने पहली बार बिल्डिंगें देखी थी इतनी ऊँची ऊँची, तो उसको डर लग गया कि ऐसा ना हो कि ये बिल्डिंगें मेरे ऊपर गिर जाएँ, ठीक है। तो ही हैज़ ए ग्रेट फियर ऑफ प्रोजेक्टिंग बिल्डिंग, बहुत डर लगने लगा उसको उन चीज़ों से, विच क्रिएट ए सेंसेशन एज इट वुड फॉल ओवर हिम, ठीक। तो अब वो डर के मारे क्या हुई, इधर उधर भागने लगी, और भाग के एक मिठाई की दुकान में घुसी, मिठाई की दुकान में घुसी, तो वहाँ जो काम करता था उसने पूछा मैडम क्या चाहिए, क्या चाहिए। तो अब वो आ तो गई थी, अब क्या बोले, भैया मिठाई लेने आई हूँ, मिठाई चाहिए, ठीक है, तो एक काम करो थोड़ी सी मिठाई दे दो मुझे, ठीक। तो डिजायर फॉर शुगर एंड स्वीट, ठीक है। अब वो क्या करती है, मिठाई खा लेती है। मिठाई खाने के बाद क्या होता है, मिठाई खाते ही उसका जो लैरिंग्स वाला एरिया है, ठीक है, लैरिंग्स वाला एरिया जहाँ से हमारी साउंड क्रिएट होती है, ठीक है, अब लैरिंग्स वाले एरिया में क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। अब वो सिंगर बनने आई थी और उसका लैरिंग्स वाला जो एरिया था वो इन्फ्लेम्ड हो गया, क्रोनिक लैरिंजाइटिस ऑफ दी सिंगर्स। अब तो वो घबरा गई कि अब मैं कैसे सिंगर बनूंगी, जिस काम के लिए मैं शहर में आई हूँ वो काम तो अब होगा ही नहीं। तो उसने उनसे पूछा, दुकान वाले भैया, भैया कोई अच्छा डॉक्टर हो तो बताओ, गले का कोई अच्छा डॉक्टर हो। तो वो कहते हैं कि इसी वाली बिल्डिंग में आप ऊपर जाओगे, सबसे ऊपर वाले माले पे जाओगे, तो वहाँ पर एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं जो आपके गले को बिल्कुल सही कर देंगे, ठीक है। वो जाती है, लिफ्ट से चली जाती है ऊपर, चली जाती है। उसके बाद में वहाँ पर लगी होती है लाइन, भीड़ लगी होती है बहुत पेशेंट्स की, और बाहर इंतजार करती है अपनी बारी का, उसका टाइम ही नहीं कट रहा होता है ना, कब नंबर आएगा, कब नंबर आएगा, कब नंबर आएगा, ठीक है। टाइम पासिस टू स्लोली, ओके, टाइम पासिस टू स्लोली। उसके बाद में क्या हुआ कि उसका नंबर आता है, डॉक्टर उसे अंदर बुला लेता है, अंदर बुला के बोलता है कि विंडो के पास में बैठ जाओ, मैं अभी 2 मिनट में फ्रेश होके आता हूँ,
ठीक है, अब वो विंडो के पास में बैठी होती है और विंडो से नीचे देख रही होती है, तो घबराई हुई तो वो पहले से ही थी। ठीक, डॉक्टर जैसे ही फ्रेश होके बाहर आता है, वो देखता है कि वो विंडो से कूदने वाली होती है। ठीक है, कूदने वाली हो तो वो झट से भाग के जाता है, डॉक्टर उसका हाथ पकड़ के रोक लेता है। बोला, ये क्या कर रहे थे, अभी मेरा करियर बर्बाद हो जाता तो मैं ऐसे कूद जाती है ना। बोला, पता नहीं डॉक्टर, मुझे तो समझ में नहीं आया मैं क्या कर रही थी, ऐसे पता नहीं कैसे हो गया, मैं तो बस नीचे देखा और पता नहीं एकदम से इंपल्स आया कि कूद जाऊँ, ओ माई गॉड, है ना। तो डॉक्टर घबरा जाता है, ये क्या था। ठीक है, उसके बाद में जैसी फिर वो लड़की भी घबरा जाती है, अरे ये क्या करने वाली थी, मैं अभी कूद जाती तो मैं चली जाती ऊपर भगवान के पास में, तो वो कपने लगती है। ठीक है, पूरा कपने लगती है, तो डॉक्टर क्या करता है, उसका एक शॉल लाता है अंदर से और उससे उड़ा देता है उसको। ठीक है, पूरी तरीके से कवर कर देता है, लेकिन लड़की क्या उसमें से मुंह निकाल लेती है सांस लेने के लिए, पूरा कवर उसे पसंद नहीं था। ठीक है, व्हेन नियर अ विंडो इम्पल्स कम्स ऑन हर टू जंप डाउन फ्रॉम इट। ओके, बोलता वो तुम तो बहुत इम्पल्सिव हो। ठीक, द पेशेंट इज वेरी इम्पल्सिव, फिर उसने उसको कवर कर दिया था। ठीक है, चिली कपड़ी थी ना, चिली व्हेन अनकवर्ड येट फील स्मूदर्ड इफ रैप्ड अप क्रेव्स फ्रेश एयर। ठीक है, उसने मुंह निकाला सांस लेने के लिए। ठीक है, और ये बात हो गई। अब फिर उसने डॉक्टर ने उससे पूछना चालू किया, कहाँ से आई हो, क्या करती हो, क्या है, कैसे कैसे है, तो उन दोनों में थोड़ा अच्छी वार्तालाप हो गई और धीरे धीरे दोनों काफ़ी एक दूसरे के क्लोज आ गए। ठीक है, प्यार व्यार हो गए दोनों में और आगे जाके उन्होंने शादी कर ली। लड़की पसंद आ गई, गाँव की थी। ठीक है, तो सिंपल लड़की थी, उसको पसंद आ गई, उन्होंने शादी कर ली। ओके, अब शादी करने के बाद में क्या हुआ कि वो गए हनीमून पर। ठीक है, हनीमून पर गए, हनीमून पर वो गए हिली एरियाज पर घूमने। ठीक है, हिली एरियाज पर घूमने गए। अब लड़की को तो परेशानी थी उससे, ठीक, लड़की को परेशानी थी। अब उनको क्या करना था, होटल तक पहुंचने के लिए एक वो जो रस्सी वाले पुल होते हैं हिली एरियाज पर, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ को जो ज्वाइन कर रहे होते हैं, वो क्रॉस करना था। ठीक, तो अब लड़की तो पहले ही डरती थी ऊंची जगह से। ठीक, तो व्हेन क्रॉसिंग हाई प्लेसेस और ब्रिजेस इंपल्सिस कम्स इन हर टू जंप डाउन फ्रॉम इट। ठीक, उस दिन नहीं, मैं तो नहीं क्रॉस कर पाऊंगी। ठीक है, तुम्हें पता है उस दिन विंडो वाला वो सीन क्या हुआ था, मैंने जैसे ही नीचे देखती हूँ वैसे ऊंची ऊंची जगह से मेरा कूदने का मन करता है, अब ये जो ब्रिज क्रॉस करना है यहाँ से ही जैसे मैं नीचे देखूंगी मेरा कूदने का मन करेगा। तो बोला, एक काम करो, आंखें बंद कर लो। ठीक है, मेरा हाथ पकड़ लो, आंखें बंद कर लो, क्रॉस करते चले जाएंगे, मेरा हाथ पकड़े क्रॉस कर लेना। पर नहीं, आंख बंद करके तो और ज्यादा दिक्कत होगी, मेरे को तो चक्कर आने लगते हैं। ठीक है, आंख बंद करके चक्कर आने लगे, मैं मूव ही नहीं कर सकती, चल ही नहीं सकती आंखें बंद करके। ठीक है, व्हाट टाइप ऑन क्लोजिंग द आईज, कांट मूव विद क्लोज आईज। तो सोचता है क्या किया जाएगा, देखो पुल तो क्रॉस करना पड़ेगा, अपना होटल उस साइड है। ठीक है, पुल तो क्रॉस करना पड़ेगा, तो क्या करें तुम ही बताओ। तो बोलते ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, थोड़ी सी कोशिश करती हूँ। तो वो चलना जब स्टार्ट करती है पुल के ऊपर, नहीं फिर डर लगने लगता, उसके पैर जो है वो कपने लग जाते, पूरे पैर उसके कपने लग जाते हैं। ठीक है, डिफेक्टिव कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स विद ट्रेम्बलिंग इन अफेक्टेड पार्ट्स, है ना, कोऑर्डिनेशन जो होता है वो डिफेक्टेड होने लगता है उसका, लड़खड़ा के चलने लगती है और पैरों में ट्रेम्बलिंग होने लगती है। अब वो फिर क्या करता है कि एक काम करो, तुम आंखें बंद करो, मैं तुम्हें गोद में उठा लेता हूँ और पुल क्रॉस कर जाता हूँ। ठीक है, बोला, ये आइडिया बहुत बढ़िया लगा मुझे, है ना। तो वो क्या करता है कि उसकी आंखें बंद करवाता है, उसको गोद में लेता है और पूरा पुल क्रॉस करके चला जाता है। ठीक है, होटल पहुंचते हैं वो लोग, पहली बार शादी हुई थी दोनों की, तो पहली बार ही होती है। ठीक है, पहली बार शादी हुई थी, अब पहले का कोइटस था उनका, वो कैसा रहा, पेनफुल रहा बोथ सेक्सेस के लिए। ठीक है, और ब्लीडिंग फ्रॉम वजाना भी वहां पर देखने को मिला। ठीक, उससे पहले क्या था, जब वो होटल पहुंचे थे तो लड़की को थोड़ा सा डर लग रहा था कि कुछ गलत होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है ना। तो वो उसे बार बार डॉक्टर से, उससे, अपने पति से यही कह रही थी, कुछ गलत होने वाला है, आप समझ नहीं रहे, कुछ गलत, मुझे ऐसा लग रहा, मुझे सेंसेशन हो रहे हैं कुछ गलत होने वाला है, ग्रेट एप्रिहेंशन। ठीक है, ग्रेट एप्रिहेंशन, उसके बाद फिर ये क्वार्टर्स वाला पॉइंट आएगा। उसके बाद में क्या हुआ, जब वो रूम में चले जाते हैं, रूम में जाके फिर अगले दिन ही क्या होता है कि उसको बेचारे डॉक्टर को हो जाता है पैरालिसिस। कौन सा पैरालिसिस, पोस्ट डिप्थेरिक पैरालिसिस हो जाता है। बोला वो सोच ही रही थी, मेरे को लग ही रहा था कि कुछ गलत होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है, और ये हो ही गया। और एक दो दिन में क्या होता है कि वो जो उसका जो पति होता है उसकी हो जाती है डेथ। ठीक है, डेथ हो जाती है, अब वो विडो बन चुकी है। ठीक, अब जो लड़की थी अब वो विडो बन चुकी है, विधवा बन चुकी है। तो अब विधवा वाले जो लेडी, वो जो
लड़की थी उसमें क्या हो जाता है, मेटोरेजिया की कंडीशन हो जाती है, मतलब उसकी जो ब्लीडिंग है यूट्रस से, एबनॉर्मल ब्लीडिंग फ्रॉम यूट्रस होती रहती है, एबनॉर्मली निकलती रहती है, कभी भी आती है कभी भी जाती है, कितनी भी आती है कितनी भी जाती है, होती रहती है। ठीक है, अब बेचारी ऐसे ही करके फिर अपनी ज़िंदगी पूरी निकालती थी, क्या बनने आई थी सिंगर, क्या बन गई बेचारी। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो इस कहानी को थोड़ा सा आपको समय लगेगा, हो सकता है एक से ज़्यादा बार आपको देखना पड़े, करिएगा, टाइम दीजिएगा, टाइम देना पड़ेगा मेडिसिन को, ठीक है, तभी आपको वो चीज़ें याद होंगी। ठीक है, मिलते हैं अगली मेडिसिन के साथ में, उससे पहले जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं एक दो डेली कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन अपलोड करूँ, जिससे कि सारी मेडिसिन आप तक पहुँच पाए। ठीक है, चलिए, नमस्कार।